हम लोग अभी खड़े हैं गुरुद्वार में जहाँ आज गुरु नानक का बर्थडे है और यहाँ बर्थडे मनाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखें सुबह से, जो यहाँ पे कोई भाषा भाषी का बात नहीं है, यहाँ हॉट भाषा का आ रहे हैं आदमी। और सबसे बड़ा चीज़ है लेडीज़ लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे भीड़ है और जेंट्स भी है। और कल रात में जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो देखे सब जेंट्स एंड लेडीज़ सब ने सब्जी कट रहा था, सब कुछ कर रहा था, आटा भी बेल रहा था। और आज हम लोग देखें सब यहाँ पे बहुत सारे आदमी आए हैं, यहाँ पे लेडीज़ कम जेंट्स कोई भी कमती नहीं है। और सबसे बड़ा बात है अभी गुरुद्वार में सांसद एस एस अलोलिया भी आए हैं और साथ साथ में देखे विरोधी दल नेता सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन की जो रंजन सरकार वो भी आए हैं। और दो ये गुरुद्वार में एक चीज़ देखने को मिले आज, सबसे खूबी चीज़ है जो यहाँ कोई कौन कौन पार्टी है, कौन सा कलर है, इसमें बात नहीं है। सब पास पास में बैठ के बातचीत कर रहा था, जिसे अलोलिया साहब इसे रंजन सरकार जो विरोधी दल नेता काउंसिलर सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन की, तो उन्होंने बात कर रहा था। उसके साथ साथ में यहाँ पे नंटू पाल भी आए थे और 13 नंबर वार्ड के काउंसिलर मानिक देव भी आया था। तो हम लोग यहाँ से देखें जो यहाँ एक सब प्रसादी ले रहे हैं, बहुत भीड़ है। और सबसे बड़ा चीज़ गुरुद्वार में ये देखने को मिल रहा है आज, जो हर भाषा भाषी के आदमी यहाँ पे आ रहे हैं, कई दूर दूर से भी आए हैं। आज हम लोग यहाँ गुरुद्वारे में गुरु नानक जी 549वां जन्मदिवस मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य पर मैं सभी सिलीगुड़ी वासियों को लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं प्रोग्राम सुबह 9 बजे से चालू है, शबद कीर्तन का प्रोग्राम, कथा और कीर्तन वगैरह हो रहा है। सभी श्रद्धालु आ रहे हैं गुरुद्वारे पर, आप मत्था टेक रहे हैं, लंगर का भी पूरा इंतज़ाम है और ये चलता रहेगा आपका शाम तक। फिर शाम को एक और दीवान सजेगा जिसमें हम लोग आरती, शबद कीर्तन, फूलों की वर्षा और आतिशबाजी भी का प्रोग्राम भी है, जो सब संगत लोग बहुत ही हर्षोल्लास से देखते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए स्पेशली हम लोगों ने एक रागी जत्था को बुलाया अमृतसर से, भाई जगजीत सिंह जी नूर, तो स्पेशली अमृतसर से इनवाइट किए गए हैं आज स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए।
ये बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी वाले दिन ये सेलिब्रेट होता है। ये हर साल पूर्णमासी में ही होता है, ये नवंबर में। और बहुत अच्छे से, आज नहीं भी तो 1000-2000 आएंगे, कोई भी कास्ट के, हर कास्ट के आ सकते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ कास्ट वगैरह कोई मैटर नहीं करता है, और सब यहाँ पे आके मत्था टेकते हैं बाबा जी के सामने, और पीछे लंगर करके जाते हैं। सेवा भी होती है हमारे यहाँ, सब सब्जी वगैरह काटने की, फुलके वगैरह की, हर एक चीज़ की सेवा होती है यहाँ। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, इतनी भीड़ है, और 1-1.5 घंटे में तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ये सब बहुत अच्छा लगता है करना। आप तो देखिए कल शाम को आके, लेकिन ये होल नाइट चलता है हमारे यहाँ। जो भी हमारे यहाँ जितने भी पंजाबी है और दूसरे भी जो जानते हैं, वो लोग आके सारी रात यहाँ पे सेवा करते हैं, और रोटी बेलते हैं, और सब्जी वगैरह सब बनती है, सारी रात बनती है यहाँ पे। और आज सारा दिन लंगर चलेगा रात तक। हाँ, ये एक बहुत ख़ास बात है गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव पर, कि सभी जाति के लोग यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा से आते हैं, माथा टेकते हैं, और सभी की बहुत आस्था है गुरु नानक देव जी के ऊपर। Thank you.
549তম জন্মদিন আজকে গুরু নানকজির। সমস্ত শিলিগুড়ি পশ্চিমবাংলাবাসী ভারতবাসী যেখানে যেখানে আপনাদের চ্যানেলের আমাদের আওয়াজ যাবে আমরা সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখানে এই যে ভাইচারা, একসঙ্গে সবাই মিলে এখানে আশীর্বাদ চাওয়া, এখানে বসে লঙ্গরে একসঙ্গে প্রসাদ নেওয়া, এটা একটা অভূতপূর্ব একটা অনুভূতি। আমরা প্রত্যেক বছরই এখানে আসি, খুব ভালো লাগে এই জায়গাটা, শান্তি বাতাবরণে। আর ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এটাই, সকলে মিলে যে কোনো উৎসব একসঙ্গে পালন করা এবং ভারতবর্ষের মঙ্গল কামনা করা, এটাই আমাদের কাজ, এটা আমরা করব, ভবিষ্যতেও করব। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। देखिए, हम तो गुरुद्वारे में आते हैं, आज विशेष दिन है गुरु नानक का बर्थडे, उसमें लंगर में आया, खाना खाया और सबके लिए बोला सिलीगुड़ी को अच्छा से रहे, हम लोग मिलजुल के रह सके। सिलीगुड़ी सब प्रोग्राम में एक साथ में हम लोग करते हैं, सिलीगुड़ी अच्छा लगता है। गुरुद्वारा का तो अलग ही है, हम लोग हर साल माथा टेकने में आता, आज भी आया हुआ है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग आए हैं यहाँ पे और सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आकर। हाँ, मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि सबको मतलब इस सब में जागरूक मतलब आना चाहिए, यहाँ पर अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, उन्हें आना चाहिए, ज़्यादा पार्शलिटी नहीं करना चाहिए, हम सबको आना चाहिए, अच्छा लगता है। और गुरुद्वार से विश्वजीत के साथ प्रदीप रॉय, एसके लाइव।